बड़े प्रखंड अंतर्गत दुलमाहा पंचायत में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट में 17 वर्षीय रूपेश कुमार की मौत हो गई है। संबंध में पुलिस ने दुलमाहा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि पप्पू असलम सहित 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिजनों ने नई टाण करियातपुर जीटी रोड को शव के साथ घंटों जाम कर प्रशासन के सभी 27 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर मॉब लिंचिंग के तहत केस कर फांसी की सजा की मांग की है। मौके पर जिला पुलिस बल, हजारीबाग एसपीडीसी, वर्तमान विधायक उमा शंकर अकेला एवं पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव सहित काफी मात्रा में पुलिस बल मौजूद थे। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नायक बस बस गजबली रुपई बगी भैया, अब रुपई कहाँ जीतेगी। क्या नाम था उसका?